100 मीटर जो दौड़ना है ना, हर कोई दौड़ लेगा। मुझे लगता है 50-60 साल तक का हर व्यक्ति 100 मीटर आराम से दौड़ लगा लेगा। जिसने कभी भी दौड़ नहीं लगाई ना, वो भी एक बार दौड़ लेगा। अभी जितना कम समय में दौड़ोगे वो उतना ही आगे होगा। बिल्कुल यही पैटर्न हो गया नीट का। नीट के सवाल हर कोई बना लेगा। मैं आपको 180 नंबर की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि इस क्लास में अगर कोई ठीक ठाक से भी पढ़ाई करके जाएगा वो ये कहेगा कि सर एक क्वेश्चन भी कॉपी के बाहर आ गया। कोई कह ही नहीं सकता। बस ये मैटर करेगा वो उसको कौन कितने कम समय में बनाएगा। अब किसी का पेपर छूट गया तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। ये सारा खेल हो गया अब नीट का। जो 100 मीटर जितने कम समय में कवर करेगा वही जीत जाएगा। सेम नीट का पैटर्न ऐसा होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा हैं कि जो जितने कम समय में एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करेगा वो जीत जाएगा। मैं आपको आज चैलेंज देके ये बात बोल रहा हूं कि आपकी क्लास में पढ़ने वाला अगर कोई बच्चा है ना जो ठीक ठाक घर जाके फिजिक्स पढ़ता है, उसको हर एक सवाल आता मिलेगा। हर एक सवाल उसको बोर्ड का पेपर टफ लगेगा और नीट के पेपर का क्वेश्चन का लेवल आसान लगेगा। बस अब सारा खेल इसका हो गया बेटा।